चलो ये वीडियो पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो। कहता है कॉपर फिक्स बलून ड्रॉन इनटू द वायर ऑफ लेंथ एल। हम लोग पास कॉपर है यार, ठीक है सॉल्व करो, देखो ट्राई करो। कॉपर का वायर है, ठीक है, कॉपर ऑफ फिक्स वॉल्यूम भी ड्रॉन इनटू वायर ऑफ लेंथ एल। तो अगर कॉपर है जिसकी लेंथ एल है, ये लेंथ एल है लेकिन इसका वॉल्यूम फिक्स है, चलो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाई लेंथ एल, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, दिस वायर सब्जेक्टेड टू ए कॉन्स्टेंट फोर्स, चलो फोर्स भी लग रहा है, एक कॉन्स्टेंट फोर्स जो कि कभी बदला ही नहीं। एक्सटेंशन प्रोड्यूस डेल्टा एल है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन इसमें से कौन सा ग्राफ आएगा, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ कैसे मैं निकालूं यार, स्ट्रेट लाइन ग्राफ निकालने के लिए, स्ट्रेट लाइन ग्राफ निकालने के लिए मुझे इसको इलोंगेशन वाला फार्मूला लिखो। तो इलोंगेशन वाला वाई इज इक्वल टू एंग्स मॉडुलस क्या होता है, एफ एल ए डेल्टा एल, इसको याद कर लो, एफ एल ए डेल्टा एल, क्लियर है। चलो प्यारे बच्चों, अब फोर्स भी सेम है, एंग्स मॉडुलस भी सेम है, ठीक है, लेंथ भी सेम है, अब एरिया वॉल्यूम के टर्म में लिख दो, वॉल्यूम सेम है, फिक्स वॉल्यूम है, तो इसको मैं वॉल्यूम के टर्म में लिख लूँ, तो एफ एल स्क्वायर इज इक्वल टू वॉल्यूम बी डेल्टा एल, ठीक है। तो वाई, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कॉपर है तो वाई भी सेम है, फोर्स भी सेम है, वॉल्यूम भी सेम है, तो डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। अब जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होती है, तो हम लोगों का बी ऑप्शन सही है, ठीक है। नहीं समझ में आया, देखो एल स्क्वायर, ठीक है, अगर मैं डेल्टा एल इज और एल में ग्राफ बनाऊं तो पैराबोला आएगा, ठीक है। वाई इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर, वाई और एक्स में क्या ग्राफ आता है, पैराबोला आता है, वाई और एक्स में ग्राफ बनाओगे तो पैराबोला आ जाएगा, और वाई और एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाओगे तो स्ट्रेट लाइन आएगा यार, ठीक है, आया समझ में ना, उस टाइप का ये है, बी ऑप्शन सही है।